अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड फ्रेंड मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कैसे ओपन टनल की हाई स्पीड फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपको दूसरों से लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपने खुद की फाइल क्रिएट कर सकते हैं ओपन टनल की, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट की। मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे फ्री इंटरनेट की ओपन टनल की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड, मैं आपकी नज़रों के सामने ही एक फ़ाइल बनाकर आपको बताऊंगा कि आपने कैसे बनानी है। मैं सबसे पहले ओपन टनल का डेटा क्लियर कर लेता हूं। मैंने अभी अभी फ़ाइल क्रिएट की है, इसका डेटा क्लियर कर लेते हैं। फिर मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का, आपने वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने, सॉरी फ्रेंड, वेबसाइट पे जाने के बाद फ्रेंड ये वेट कीजिए, आपको सेटिंग बताता हूँ कि कहाँ पे जाना है आपने। फ्रेंड आपने इन तीन लाइन पे क्लिक करना है। तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद आपने इस जगह पे क्लिक करना है SSH। फ्रेंड मेरा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, मैं आज सेट कर लेता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, मैंने अपने दूसरा VPN कनेक्ट किया, मेरे पास इंटरनेट का मसला आ रहा था, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। जी हाँ फ्रेंड, आपने सेटिंग करने के बाद आपने ये सर्वर मिल जाएंगे आपको, आप इन सर्वर में से कोई अच्छा सा सर्वर ढूंढ लेना है। मैं इंडोनेशिया पे क्लिक करता हूँ। और फ्रेंड आपने 30 दिन की भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं और 7 डेज़ की भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं 30 दिन की फाइल क्रिएट करता हूँ। ऐड है तो आपने ऊपर से क्लोज़ कर देना है। फ्रेंड आपने जिस फ्रेंड जो सर्वर 0 हो तो आपका समझ लें कि उसमें आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। मेरे पास ये फ्री हैं, सब यूज़ कर सकता हूँ, 2 सर्वर हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है आपने और नीचे जाना है और यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है आपने। आपने कोई सा भी रेंडम सा नेम लगा दें यहाँ पर, और पासवर्ड भी कोई रेंडम सा डाल दें इधर, और ये कैप्चा पे क्लिक कर दें, कैप्चा फिल कर दें और वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपका पास अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे सेटिंग करनी है ओपन टनल में। ये देखें फ्रेंड, ये बनकर आ चुकी है हमारी फाइल, हम इसे एक करके कॉपी करेंगे। फ्रेंड आपने सबसे पहले होस्ट को कॉपी करना है, होस्ट को यहाँ से कॉपी करना है, आपने ओपन टनल में जाना है, ओके कर दें और सेटिंग में जाना है। फ्रेंड आप ऊपर देख सकते हैं, सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपने SSH सेटिंग पे क्लिक कर दें और SSH होस्ट पे क्लिक कर दें, ऊपर फास्ट में यहाँ पे क्लिक कर दें, और जो आपने कॉपी किया था होस्ट आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और SSH पोर्ट में आपने 18 लिख देना है। 18 लिखने के बाद आपने यूज़र नेम आपने वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। फ्रेंड आपने ध्यान में रखना है कि कोई और चीज़ आपने कॉपी नहीं करनी, यूज़र नेम ऑल कॉपी करना है, लाइन से लास्ट तक यूज़र नेम कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें, और पासवर्ड भी आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने पासवर्ड में पेस्ट कर दें। पेस्ट
करने के बाद आपने ऊपर से क्लोज करना है इसे, बैग जाना है ऊपर से। फ्रेंड आपने इस जगह पे चेक क्लिक करना है, इस जगह पे चेक लगा दें ऐसे। फिर आपने बैग जाना है फ्रेंड, आपने HTTP पे क्लिक कर दें, HTTP पे। वेट कीजिए फ्रेंड, HTTP पे क्लिक कर दें। फिर कस्टम पेलोड फ्रेंड आपने इसमें क्लिक करना है, कस्टम पेलोड पे। कस्टम पेलोड पे क्लिक करने, पेलोड पे क्लिक करने के बाद आपने पेलोड कॉपी करना है फ्रेंड। आपको इसके नीचे पेलोड कॉपी मिल जाएगा, आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेलोड में पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड आपने इस जगह पे क्लिक करना है, रिमोट प्रॉक्सी पे। इस जगह पे क्लिक करने के बाद मैं आपको एक प्रॉक्सी दूंगा, आपने वो इस जगह पर ऐड करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही प्रॉक्सी इस जगह पर ऐड करनी है। अगर ये यहाँ पर कोई मिस्टेक की तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। सेव कर दें। मेरे पास दूसरा VPN कनेक्टेड है, मैं उसे डिसकनेक्ट कर लेता हूँ। वेट कीजिए, अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कनेक्ट होता भी है या नहीं। जी हाँ फ्रेंड, ये कनेक्ट हो चुका है हमारे पास। आप देख सकते हैं ऊपर चाबी का आइकन भी आ चुका है हमारे पास, और VPN भी कनेक्ट हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड, आप ऐसे ही फाइल क्रिएट कर सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट की, बहुत ही हाई स्पीड मिलेगी आपको। जितनी मर्ज़ी आप फाइल क्रिएट करें, यूज़ करें, अनलिमिटेड इंटरनेट। अगर आपके पास वर्क ना करे तो आपने डिस्कनेक्ट करना है, स्टॉप करना है, फिर से स्टार्ट करना है। अब कुछ सेकंड तक वेट कीजिए जब तक VPN कनेक्ट ना हो। जी हाँ फ्रेंड, मेरे पास VPN कनेक्ट हो चुका है। अभी चेक करते हैं इंटरनेट कनेक्शन वर्किंग है भी या नहीं हमारे पास। ये देखिए फ्रेंड, इंटरनेट कनेक्शन वर्किंग हो चुका है। फर्स्ट टाइम ये स्लो होता है, लेकिन ऐसा ऐसा इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपके पास फाइल की स्पीड ना आए तो आपने दूसरी फाइल क्रिएट करनी है किसी और सर्वर से। जैसे कि मैंने आपको बताया है, किसी सर्वर पर VPN की फाइल की स्पीड बहुत ही स्लो होती है। आपने दूसरी फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपको स्पीड अच्छी ना मिले तो आपने किसी और कंट्री से, सर्वर से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको तरीका बता दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इस चैनल पर फ्री टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।
मैं हाँ।